मैं सोची उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। सही से करना, माठा ना जला देना। उसकी बहुत गंदी लगी है। कहाँ है गीजर है? इसका कान सच में जल गया। Hi everyone, assalamu alaikum. This is Rebecca Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. बैक विद अनदर व्लॉग। सो भाई आज का प्लान भी हमारा कहीं जाने का है, तो उसके लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करना। जल्दी जाके पहले सब्सक्राइब करो। फाइनली दिस इज द फाइनल लुक, आई एम टोटली रेडी। और अब हमें जो है वो निकलना है। सच बताऊं तो 8 बजे की टाइमिंग मैंने दी थी कि हम लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको पता है कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम लोग ऑन टाइम पहुंच जाएं। बट तैयार सब थे, मैं भी, सारे घर में जितने भी लोग हैं सब तैयार हो गए थे ऑन टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली जो मैंने केक ऑर्डर किया था उस राइडर ने बहुत लेट कर दिया। पिछली दफा भी जब मुझे जाना था तो राइडर आके ही नहीं दिया था। खैर वो तो चीज अब तक मिली ही नहीं मुझे, मुझे ऐसा लगा था कोई मुझे पागल बना रहा है। बट खैर आज केक ऑर्डर किया था, इतना ट्रैफिक है शहर में उसकी वजह से इतना लेट हो गया। तो अभी भी स्टिल हम लोग वेटिंग पर हैं कि बस जल्दी से केक लेके आए तो हम लोग यहाँ से निकले। अब अच्छा भी नहीं लगता कि हम लोग ऐसे निकल जाएं केक ना लेके जाएं, अजीब सा लगता है ना। तो खैर केक बस ऑन द वे है, आई होप जल्दी आ जाए वरना बहुत डांट पिटेगी हमारी। ये लड़का है ना, ये लड़का इधर आ जाओ, बिल्कुल उसको निकालना जरा वहां से। इन लोगों ने आज मेरे साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा किया है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकायदा उज़ैम और महीन ने मुझसे कहा आपकी हमारे बाल में नूडल्स वाला कर्ल कर दो। मैंने कहा ठीक है चलो, मशीन तो मेरे पास है तो क्यों ना इनके बालों में मैं कर देती हूँ। तबीयत मेरी ऑफ थी लेकिन इन लोगों की खातिर मैंने इनके बालों में किया और इसने भी बाल खोल दिए और उस बच्चे ने भी बाल खोल दिए। मम्मा ने बोला था इसके बालों मैंने चार चार दफा की है। बच्चियां गवाह है, मैंने कितनी दफा किए? और इन लोगों ने खोल दिया, मेरी मेहनत को जाया कर दिया। लेकिन ये लोग बहुत क्यूट लग रहे थे। नहीं सुनेंगे तो ठीक है, चलो ऐसी जाओगे तुम लोग, ऐसी बाल लेके जाओगे। मेरे सबसे अच्छे बाल आपसे अच्छे। ये नखरे किसको दिखा रहे हो? ये नखरे किसको दिखा रहे हो? नखरे किसको दिखा रहे हैं? जब भी लोग नखरे दिखाते हैं मैं इनके साथ करती हूँ, ये उंगली पकड़ लेती हूँ इनकी मैं। दिस इज द फुल आउटफिट। आज आपकी बहन तो भाई फुल रच के तैयार हुई है, मतलब बीच में ऐसा और तक मैं रेडी हो ही नहीं रही थी, लेकिन आज मेरा आउटफिट बहुत प्यार था तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, हर चीज मैचिंग की होनी चाहिए। सो ऑल सेट फॉर टुडे, सो जल्दी से हम लोग चलते हैं, लेट हो गया है। केक जो है वो मेल्ट हो रहा है यार। यहाँ पर भैया जो है वो केक फ्रीजर में रख रहे हैं बिकॉज बहुत 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 मेल्ट हो गया और मैं बहुत मेहनत से केक बनवाया। भैया हटा रही ऊपर से रखो, जाएगा हम लोग अभी ये सारा सामान भूल जाते। जल्दी निकालो सारा सामान, लाओ निकालो। और ये मम्मा ने गिफ्ट के साथ क्या रख लिया? मैं तो उठा ही नहीं सकता। लो भाई गिफ्ट के साथ मम्मा ने कपड़े डाल दिए। ये जरा दरामद करें शॉपर, मम्मा ने क्या डाला गिफ्ट के साथ? घर के कपड़े, महीन के कपड़े डाल दिए। हद हो गए, अभी मैं गिफ्ट दे देती हूं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका केक अभी हम कटवाएंगे और आपको पता है आपका केक किस तरह का आइडिया है आपको? ये जो आप पहनी हुई ना बिल्कुल इस तरह का। एक्साइटमेंट हो रही है अब? आपको पता है कि केक की वजह से हम लोग कितना लेट हो गए? मजाक कर रही, बच्ची का बीवी का बर्थडे तो मैंने उसको सरप्राइज देंगे, इस वजह से केक ने इतना लेट किया, इतना लेट किया, लेकिन थैंक गॉड हम लोग खैरियत से पहुंच गए। इस लड़के ने देख लिया मुझे दूर से कि मैं आ गई, छुप के बैठ गए, जरा गले तो लग जाओ। समझ रहे हो भैया, तो बस यही कुछ चाह रहा था कि बस पहुंच चुका और खाना लगा, तो ये सारा खाना लग चुका है। दोनों ना एक जैसे लग रहे, साथ रह रहे, बेचारे के हाथ पे चोट लगी तो बेचारा एक हाथ इसका बेकार हो गया है ना। अल्लाह ना करे। वो बात है बहुत जल्द लोगों को बताऊंगी किस वजह से ये हुआ। कौन से प्रैंक की बात? सिगरेट प्रैंक की बात। मारा
भैया खुद अपनी प्लेट बना रहे, मजा ले जो बहन से पूछ ले। खाने में हमारे पास है पुलाव, साथ ही साथ उसमें कबाब, और ये है मेरी मोस्ट फेवरेट बिहारी बोटी। ओ माय गॉड, ये बहुत मजे की है गाइस। यहाँ पे मीठे में कोई इतने मजे की चीज है ना। ये है हमारे पास मैंगो डिलाइट, लाओ भैया। भैया ज्यादा ओवर नहीं हो, भैया थोड़ी ज्यादा भरो, मजे का होता है। ठीक है भैया, और मिल जाएगा। नहीं, सबको भी बता दो। और ये चार इसको मिक्स कर लूं मैं, मिक्स कैसे कर लूं इसको? ये ऐसे पूरा एक चमचा निकल, चलो लाओ ढक्कन लगा। यहाँ पे फाइनली केक जो है वो सेटल हो चुका है, थैंक गॉड। मुझे इतनी टेंशन थी ना इस केक की, लेकिन शुक्र है कि सेट हो गया जब हमने इसको फ्रीजर में रखा। तो अब हम बिब्बो को बुलाएंगे और फिर इसका केक कटवाएंगे। ये हम लगाते हैं इधर कॉर्नर पे, थोड़ा उठा ले। हाँ, नाइस, प्रिटी। इसमें कैसा लगा आपको सरप्राइज? अच्छा, इतना अच्छा लगा? अच्छा। और एक एक दिन विस्मा कैसे काउंट कर रही थी, आज 10 डेज रह गए, 9 डेज रह गए। सारे बच्चे हैं आज ना, कोई दीवाना है ना ये बच्चा केक का, इसको केक बहुत पसंद है। खिलाऊं आपको केक? ये लो, चुपके से ले। यम्मी। अब बोलेगा थोड़ी, ये बच्चों को पहले समझ से बाहर, जब भी वीडियो और होती है इसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। 20 को चाहिए केक में बंटियां जो कि लगी हुई है इस केक पर। सबकी यही फरमाइश है कि हमें ब्लू वाली करनी चाहिए, ग्रीन वाली चाहिए, कुछ कह रहे रेड वाली, और यही सब बच्चे दीवाने होंगे। कौन सी बंटी चाहिए? अभी इतना हैवी मीठा खा लिया, फिर भी केक चाहिए तुम्हें? बताओ तो बंटी कौन सी चाहिए? बंटी कौन सी चाहिए? केक की क्रीम बहुत अच्छी। यहाँ पे मैं अपनी फूफो से बनवा रही हूँ अपने बाल, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था इस तरह के बाल बनाने का। तो मैंने बहुत प्यारी ब्रेड बनाई है। कौन बच्चा सीख रहा है ये पीछे से? 2000 years later. So finally just back home guys. बहुत मजा आया आज, हम लोगों ने बहुत ज्यादा enjoy किया। क्या हो गया? कुछ नहीं, बैठ रहा हूँ। क्यों बैठ रही हूँ? ऐसे दिल चाह रहा था। है मोटी? आज तो बहुत खेला अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। इस बच्चे के साथ काल नोचती रहूं मैं। ये बच्चा बात आ रही है, काम है कोई? काम है क्या? है बता दो, अब तो बता क्या काम है। ये तो फसला हुआ ही है, इसका काम हो गया था, इसका काम हो गया था ना, उसका काम है। तभी आके आप ही बराबर में बैठे, गले में डालने वाले। इनका मतलब क्यों होता है? ये लोग क्यों मेरे पास आते हैं? मतलब के लिए गाइस, जल्दी के समझ लिया आप लोगों ने? हां बताओ क्या हुआ? यार वापस बाल कल कर दो, क्योंकि मुझे वापस वीडियो बनानी है। कितनी मेहनत से किए थे? कितनी मेहनत से करे थे? उस वक्त मैंने इतनी मेहनत से इसके बाल, एक तो इसके इतने बड़े बाल है, ऊपर से इतने कड़क बाल है, इतनी मेहनत से मैंने इसके बालों में कलर किया और उसने जाके बाल धो दिए। मेरी एक घंटे की मेहनत को जाया जाया, और अब बोला है मेरी दोबारा से बाल कर्ल करो। अरे वीडियो नहीं बन पाई ना। वीडियो बनानी है? हाँ, वैसे ही बनाता नहीं है आज तक। बोला है वीडियो बनाने का, तो यकीनन कोई वीडियो बनानी होगी। आओ तुम्हारे घर अभी टांगे दबा रहे थे। और जैसे मेरे बाल कट करने के बाद जो है आप मैक्रोनी बना देना। कहाँ से आते हैं सुनो? मैं तुम्हें क्या नजर आ रही हूँ बेटे? मैं थक के आई हूँ दावा से, वैसे भी तबियत ऑफ है। लेके आओ कलर करूंगी, सिर्फ कोई मैक्रोनी नहीं बनाऊंगी। लोग फ्री हो गए, जब एंगेजमेंट का इवेंट होने वाला था ना, तब से मेरे पीछे पड़ गया, आप ही हिला जानी, आप ही। मैंने बोला बेटा मैं दुल्हन हूँ, क्या हो गया? बोले जा रहे हाँ ये तुम्हारी जो बात होगी ना, कुछ दिनों की मेहमान हो, कुछ दिनों की मेहमान हो। बेचारा बोला कलर कर दूंगी, बाकी मैक्रोनी का देखती हूँ। ठीक है, हाँ मेरा बेटा जल्दी से लेके आओ।
लेकिन एक सेकंड मेरे जहन में, इस खुफिया जहन में ना एक जबरदस्त मस्त आइडिया आया। उज़ैम बोल रहा है ना मेरे बालों में कर्ल कर दो क्योंकि मुझे जो है वो एक वीडियो बनानी है, तो मैं सोची उसके साथ एक प्रैंक करते हैं, लाइक इसके बाल जला देंगे नकली के और फिर देखते हैं इसका रिएक्शन कि क्या करता है। मुझे लगता है बहुत चीखेगा, लेकिन लेट्स सी इसके बाल जलाते हैं क्या। सारे प्रैंक का आइडिया मैं देता हूँ आपको। क्या सोच है रे तेरी, तुमने आइडिया दिया मेरे दिमाग में आया। वैसे ये कलर ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें ना बाल जलने का भी खतरा होता है। उज़ैम कोई नहीं, बाल जलने नहीं चाहिए, बता कोई नहीं चल रहे, कोई नहीं भी आपने वो किया, सही से करना, माठा ना जला देना, तो जल जितना हिलोगे उतना सर जलेगा। कोई नहीं, जितना नहीं मैं तेरी घुमाओ। वाह जाओ, इतना क्यूट हो, आ जाओ अब इधर की साइड लाओ, नहीं नहीं बल्कि इधर की साइड प्रॉपर करना, उससे भी अच्छी करने लगी कहाँ है? कान पे गिरा दिया वो। कान कर रहा हूँ बोला है। वो कान है गीजर है। दस आवाज़ है। दस आवाज़। मुझे नहीं बनाया। हट जाओ आवाज़ है। गाइस बहुत खतरनाक सीन हो गया है, इसका कान सच में जल गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझसे गलती से कलर जो है वो हाथ से स्लिप हो गया, पता नहीं क्या हुआ ऐसे स्लिप हुआ और इसके कान में सच में लग गया और ये इतना चीख रहा है जाहिर सी बात उसको दर्द हो रहा होगा, लेकिन प्रैंक बहुत ऑफ हो गया। जल्दी कैसे हुआ इसी का? एनी वेज खैर वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बाय। Thank you.